दिल्ली में भयानक वायु प्रदूषण ने नियंत्रित करवाना दरेक प्रयत्न निष्फळ साबित थया छे, त्यारे दिल्ली सरकार हवे कृत्रिम वरसादना सहारे छे। दिवाळी बाद दिल्ली में आ माटेनो प्रयोग हाथ धरवामां आवशे, त्यारे केवी रीते थाय छे कृत्रिम वरसादनी समग्र कवायत अने दिल्ली ने तेनाथी शुं फायदो थशे जोईए आ अहेवालमां। दिल्ली अने वायु प्रदूषण अत्यारे एकबीजाना पर्याय बनी गया छे। आवुं अमे एटला माटे कहीए छीए केम के वायु प्रदूषणमां दिल्ली दुनियानुं टोचनुं शहर छे। दिल्ली सरकारे प्रदूषणने नाथवा शक्य तमाम प्रयास करी जोया, पण तेनाथी कोई फरक नथी पड्यो। लोको श्वासमां झेरी हवा लेवा मजबूर छे, जेने जोता सुप्रीम कोर्टे सखत वलण अपनाव्यु छे, त्यारे हवे दिल्ली सरकारे कृत्रिम वरसादना अंतिम विकल्प पर मोहर लगावी छे। आईआईटी कानपुरना वैज्ञानिकोना सूचनना आधारे दिल्ली सरकार 20 के 21 नवेम्बरे आ प्रयोग करी शके छे। आ माटे वैज्ञानिको साथे सरकारनी बैठक पण योजाई हती। एक्सपर्ट्स मीट की थी दिल्ली सचिवालय में, जिसमें बहुत तरह के एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया था। उसमें आईआईटी कानपुर ने ये कृत्रिम बारिश को लेकर के भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था। उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने जो बारिश कराई हुई है आईआईटी कानपुर में, लेकिन उन्होंने बरसात के मौसम में कराई बुंदेलखंड के इलाके में। हमने उस समय उनसे कहा था कि दिल्ली में सर्दियों में इसको कैसे किया जा सकता है। कल दोबारा हमने उनके साथ मीटिंग की। कृत्रिम वरसाद भारत माटे नवो विषय नथी, अगाउ पण देशमां घणी जग्याए आ प्रयोग हाथ धरवामां आव्यो छे। कृत्रिम वरसाद माटे आकाशमां 40% जेटला वादळોની હાજરી પૂર્વ શરત છે। વાદળોમાં ભેજની માત્રા હોવી પણ જરૂરી છે। કૃત્રિમ વરસાદ માટે વાદળોમાં ક્લાઉડ સીડિંગ કરવામાં આવે છે। આ માટે વાદળોમાં વિમાનની મદદથી અમુક કેમિકલનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે। આ કેમિકલમાં સિલ્વર આયોડાઇડ, ડ્રાય આઈસ અને ક્લોરાઇડનો સમાવેશ થાય છે। આ કેમિકલના ઉમેરાથી વાદળોમાં પાણીના ટીપાનું સર્જન થાય છે। આ જ ટીપા પછી જમીન પર વરસાદ તરીકે વરસે છે, એટલે કે ક્લાઉડ સીડિંગની પ્રક્રિયા વાદળોને વરસવા માટે તૈયાર કરે છે। કૃત્રિમ વરસાદ વરસાવવા માટે ઇન્ડિયન રિમોટ સેન્સિંગ એજન્સીના ખાસ પ્રકારના વિમાનોની જરૂર પડે છે। એક વખત કૃત્રિમ વરસાદ કરાવવા માટે 10-15 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે। કૃત્રિમ વરસાદ માટે વાદળોની હાજરી જરૂરી છે, ત્યારે વિશેષજ્ઞોનું અનુમાન છે કે દિલ્હીમાં 20 અને 21 નવેમ્બરે વાદળોની સારી સ્થિતિ સર્જાય તેમ છે। તેને જોતા કૃત્રિમ વરસાદ માટે આ બંને દિવસોની પસંદગી કરાઈ છે। દિલ્હી સરકાર કૃત્રિમ વરસાદ માટેના પ્રસ્તાવને સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરશે। જો કોર્ટ મંજૂરી આપશે તો સરકાર આ માટે આગળ વધશે। અગર 40% ભી અગર ક્લાઉડ હૈ તો બાદલ હૈ તો બારિશ કરા સકતે હૈ। उसके लिए आज बैठक में तय हुआ है कि कल वो अपना एक प्रस्ताव, डिटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें, और उस प्रस्ताव को हम कल अगर उनका प्रस्ताव आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत तरह के जो है वो परमिशंस चाहिए। तो अगर सभी लोग मिलकर के एक साथ प्रयास करते हैं तो उनका अनुमान है कि अभी आगे दिल्ली में 20-21 के आसपास बादल होने की संभावना है। કાનપુરે કૃત્રિમ વરસાદનો પ્રયોગ હાથ ધર્યો હતો, જે સફળ રહ્યો છે, જેના કારણે હવે દિલ્હી સરકારને આશા બંધાઈ છે। કાનપુર કે પાસ એરક્રાફ્ટ હૈ અપના, જિસમે ક્લાઉડ સીડિંગ કરને કે લિયે ફ્લેયર્સ કા અટેચમેન્ટ ઇસ સમય લગ ચુકા હૈ ઓર ઉસકો ડીજીસીએ ને અપ્રૂવ ભી કર દિયા હૈ, તો અબ ઇસકે દ્વારા હમ ક્લાઉડ સીડિંગ કહીં ભી કર સકતે હૈ। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट का सवाल है, उनकी तरफ से हमारे पास आज सुबह से कुछ फोन कॉल्स आई हैं, और साथ ही हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि
आम तो कृत्रिम वरसाद विकल्प नो उपयोग त्यां करवामां आवे छे ज्यां चोमासामां वादळो होवा छतां वरसाद नथी थतो। भारत में 1951 में पश्चिम घाट में पहली बार कृत्रिम वरसाद नो प्रयोग करवामां आव्यो हतो। त्यारबाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अने महाराष्ट्र में पण कृत्रिम वरसाद करवामां आव्यो। छेल्ले 2019 में कर्नाटक में कृत्रिम वरसाद करावामां आव्यो हतो। हवामान विभागनुं मानीए तो देश में कृत्रिम वरसादना 30 किस्सामां सफळता मळी छे। हवे सवाल ए ऊभो थाय छे कि आखरे वायु प्रदूषण ने घटाडवामां कृत्रिम वरसाद केवी रीते मददरूप बनी शके। वैज्ञानिकोनुं मानीए तो कृत्रिम वरसादथी 5 के 10 दिवस माटे वायु प्रदूषणथी राहत जरूर मळी शके छे, पण कृत्रिम वरसाद वायु प्रदूषणनो लांबा गाळानो इलाज नथी। कृत्रिम वरसादनी नकारात्मक बाजुओ पण छे। जो वेगीला पवन ने कारण वादड़ों में छाटेलू केमिकल उड़ी ने अन्य जगह जतु रहे तो मेहनत अने खर्च माथे पड़े छे। एवुं पण बने के ज्यां जरूर नथी त्यां वरसाद पड़ी जाए, जेने जोता हवामाननो झीणवट भर्यो अभ्यास जरूरी बनी जाए छे। दिल्ली में हवानु प्रदूषण घटाड़वा फायर ब्रिगेड सतत पाणीनो छंटकाव करी रह्यु छे। जो कि आ छंटकाव ओछी ऊंचाई पर करवामां आवे छे। जो वरसाद पड़े तो वधु ऊंचाई परथी पाणी नीचे पड़े, તેની સાથે પ્રદૂષણના રજકણો પણ પાણીની સાથે વહી જાય। આ કવાયત એટલા માટે થઈ રહી છે કેમ કે દિલ્હીમાં વાયુ પ્રદૂષણનું સ્તર 500 AQI ભયંકર લેવલે પહોંચ્યું છે। અનેક પ્રતિબંધો લાગુ કર્યા બાદ દિલ્હી સરકાર 13 નવેમ્બરથી વાહનો માટે ઓડ ઇવન વ્યવસ્થા લાગુ કરવા જઈ રહી છે। આ ઉપરાંત 5મા ધોરણ સુધીની શાળાઓમાં 10 નવેમ્બર સુધી રજા જાહેર કરાઈ છે। ધોરણ 6 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન ક્લાસનો વિકલ્પ અપાયો છે। केंद्रीय कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम नी मंजूरी अपाई छे। बांधकाम नी बिनजरूरी प्रवृत्तियों पर प्रतिबंध मुकायो छे। डीजल थी चालता मध्यम अने भारे मालवाहक वाहन पर प्रतिबंध छे। बाहर थी आवती ट्रकोना प्रवेश पर पण प्रतिबंध मुकायो छे। तेम छता कोई फरक नथी पड्यो। हवे दिल्लीना लोकोने कृत्रिम वरसाद ज थोड़ा समय माटे राहत आपी शके छे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।